Hey guys, welcome back to my channel. तो guys, आज का vlog बहुत special. आज के की जो video है वो recipe के ऊपर है. आज मैं recipe share करने वाली हूँ. एक यूपी और बिहार की एक बहुत ही famous सी recipe है, sweet dish है, तो उसी की recipe आज मैं आपको share करने वाली हूँ. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. मैं किचन में तो ऑलरेडी हूँ, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. और बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं, तो वो उठे उससे पहले ही मैं फटाफट अपना शुरू करती हूँ. हाँ, तो मैं बता दूँ मैं बनाने क्या वाली हूँ. बनाने वाली हूँ मैं ठेकुआ, जो कि छठ पूजा में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. बहुत से लोग जानते हैं, जो यूपी बिहार के होंगे वो जानते होंगे कि ठेकुआ क्या होता है, और जो नहीं जानते हैं वो कोई बात नहीं, मैं डिश बनाऊंगी तो आप देख लेना. हो सकता है आप जानते हो बट उसका नाम ना जानते, आप किसी और नाम से भी जानते हो उसको. तो चलिए फटाफट लेट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं. तैयारी शुरू करने से पहले जो है, पहले बालों को बांधते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो पहले बालों को बांधते हैं फिर तैयारी शुरू करते हैं. तो अब मैं आ गई हूँ अपने ब्रांड न्यू हेयर स्टाइल के साथ. वैसे आपने इस हेयर स्टाइल में मुझे कई बार देखा होगा, क्योंकि मैं घर पे मोस्टली ऐसे ही जूड़ा बना के रखती हूँ. तो चलिए फिर जो है शुरू करते हैं वीडियो को. तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डालेंगे पानी. पानी लेंगे और उसमें डालेंगे हम चीनी. चीनी डाले, वैसे आप गुड़ भी डाल सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे चीनी डाला है और चीनी जो है थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगी. डो मीठा हो जाए इसकी वजह से मुझे जो है चीनी चाहिए होगी ज्यादा. तो चलिए अब मैंने चीनी तो डाल दिया, अब इसको फेंट लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको. ये देखिए मैं चीनी को जल्दी से घोल रही हूँ अच्छे से. अगर ये चीनी पूरी नहीं घुल रही है तो इसको आप हल्का सा गर्म कर लीजिए, और हल्का सा गर्म करने के बाद फिर इस पानी को ठंडा कर लीजिए, क्योंकि जो हमें डो बनाना है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में बनाना है, ऐसे गर्म पानी में नहीं गूंदना है. तो इसको ठंडा करने के बाद, जैसे मैंने अभी इसको हल्का सा गर्म किया था, पूरी चीनी घुल नहीं रही थी, ठीक है. और उसके बाद अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ा सा ये ठंडा होने के लिए. अभी थोड़ा सा जैसे चीनी ये बची हुई ना, अभी मैं इसको और मिक्स करने के बाद इसको रख दूंगी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे. इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा. अब आपको लेना है गेहूं का आटा और इसमें मोयन देना है घी का. घी मेरा जमा हुआ है, इस घी को पहले मैं मेल्ट करूंगी, फिर उसके बाद से इसमें मोयन दूंगी. तो चलिए पहले घी को मेल्ट करते हैं फिर मोयन देते हैं. इसको कर लेना है अच्छे से मेल्ट. घी हो चुका है मेरा मेल्ट. तो ये देखिए पहले इसके बीच में थोड़ा सा गैप करते हैं, थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, और उसमें डालते हैं ये घी. घी आपको अच्छे अमाउंट में डालना है, मतलब इतना डालना है कि आटा जो है बाइंड होने लग जाए. ये थोड़ा सा गर्म है, पहले इससे चलाऊंगी, उसके बाद फिर हाथ से इसको अच्छे से ऐसे मोयन देना है. इसको दोनों हाथ से देना है. एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से अभी मैं रख के इसको दोनों हाथ से मोयन दूंगी. और अच्छे से देने के बाद ऐसे बाइंड करना है इसको. अभी देखिए ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो उतना जो घी बचा है वो भी इसमें पड़ेगा. ये जो है ये अब ये बाइंड होने लग गया. ये देखिए अच्छे से ये जो है बाइंड हो रहा है. ये तो मैंने सिर्फ आटे का बनाया है. अगर आप इसमें चाहे तो इसमें आप सूजी भी मिक्स कर सकते हैं. ये मैदा और सूजी का भी बनता है, और गेहूं के आटे का और सूजी का भी बनता है. और मैंने सिर्फ जो बनाया है वो आटे का बनाया है, क्योंकि मेरे पति देव जी को सिर्फ आटे का ही अच्छा लगता है. और ये रेसिपी मेरी सासू माँ की रेसिपी है, तो उन्हीं से ही मैंने ये सीखा था. तो मैंने बस एक ही दो बार आई थिंक मैंने ट्राई किया होगा. तो आज मैं जो है ये रेसिपी आपको भी शेयर करती हूँ, बना के देखिएगा अच्छा लगता है ये. और पीछे खटपट की आवाज, जैसे कि प्रिशु उठ चुकी हैं, तो वो पीछे ऐसे ही आती रहेगी खटपट की आवाज. तो ये देखिए इसको ऐसे मिलाना है कि अच्छे से बाइंड होने लग जाए. इसमें घी का मोयन इतने अच्छे से देना है कि इसका लड्डू बनने लग जाए. ये देखिए, और जो है इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, और मैंने तो नहीं डाला, सूखा नारियल, काजू, बादाम, जो भी आप डालना चाहें कट करके इसमें डाल सकते हैं. मैं तो इसको सिंपल ही बनाऊंगी, सिर्फ इलायची डालूंगी मैं इसमें. मैंने इतनी इलायची कूटी है, अब इसको मैं आटे में ही मिक्स कर दूंगी. तो आटे में अच्छे से इसको मिला लीजिए. ये देखिए मैंने इसमें मोयन दे दिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी डालेंगे. ये जो चीनी वाला पानी मैंने बोला था, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे. इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है. मिक्स करते जाएंगे, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे. डो जो है बनके तैयार हो चुका है, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है. ये देखिए
यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है, डो मेरा लग चुका है और अब चलते हैं जो है इसको तलने के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस पे अब चलते हैं इसको तलने के लिए। तो चलिए कोशिश करिएगा कि मोयन जो है आप उसको घी में दें, क्योंकि घी का जो मोयन होता है वो उससे काफी खस्ता बन जाता है। तो मोयन आप घी में दीजिए और तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं और घी भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये देखिए ये स्पाइडर भी था, लेकिन प्रिशु ने इसका क्या हाल किया है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये देखिए। तो मैं निकालती जाऊंगी और इस पे रखती जाऊंगी, मैं रखूंगी ऐसे और इसी इसको निकाल निकाल के इसी पे रखती जाऊंगी। जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो गया वो जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कटोरी में ऐसे छनता जाएगा। और तो अब शुरू करते हैं ठेकुए को बनाना। तो मैंने ये इतनी सी लोई हाथ में ली हुई है, इसी के बराबर आपको सारी लोई काट लेनी है, दबाते जाना है ऐसे, हाथ पे आपका प्रेशर भी रहे और इसको गोल गोल ऐसे घुमाते जाना है। इसको एकदम सॉफ्ट नहीं करना है कि लोई एकदम से आपकी सॉफ्ट हो जाए, पीछे घूम रही है वो। तो ये देखिए कुछ ऐसे ही ऐसे बन जाएगी है। और इसको प्रेस कर देना है, ना बहुत ज्यादा मोटा करना है ना बहुत ज्यादा पतला करना है। अब इस पे क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ डिजाइन बनाने वाली वो चीज हो तो आप इस पर डिजाइन भी बना सकती हैं। और मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास ये स्पाइडर है, स्पाइडर से बनाती हूँ मैं डिजाइन। ये देखिए बन गई ना ठेकुए की डिजाइन, चलो अच्छी डिजाइन, ये इंस्टेंट मेरे दिमाग में आई है। तो ये देखिए ऐसे ही बना के आपको सारा ठेकुआ रख लेना है। जब तक ये तेल गरम होता है तब तक हम ये ठेकुए जो है बना के रख लेते हैं इसको। आप चाहे तो बना के रख लें या तुरंत आप बनाते जाएं और रखते जाएं। देखिए क्या सही डिजाइन आ गया है। हेलो गाइज, इनसे भी हेलो कर लीजिए। क्या कह रही मिस्टर? नानी प्रीशु, नानी नानी दादी दादी बोलती है। दादी 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 हाँ दादी, बोल क्या किराए। हाय प्रीशु, हाय। तो ये देखिए एक बार में मेरा इतना बना है। अब मैं इसको जो है इसमें डाल दूंगी। तेल मेरा यहाँ गरम हो चुका है, इसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, अब मैं इस पे सारे जो है ठेकुए अपने डाल दूंगी। देखिए पता नहीं कौन सा काम करते करते ये मेरा नाखून ही टूट गया, ये देखो। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये रेड होना शुरू हो गया है, वैसे दिख नहीं रहा था ना, तो मैंने चिमनी की लाइट जलाई है तो इसलिए इसकी वजह से ये पीला पीला दिख रहा है। वैसे ये हल्का हल्का सा रेड होना शुरू हो गया है। इसको इसको धीमी आंच पे पकाना है, वरना ये क्या होगा, बाहर से रेड हो जाएगा, बाहर से जलने लग जाएगा और अंदर ये कच्चा रह जाएगा। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है, इसमें भाई टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम इसी प्रोसेस में ही है। तो ये देखिए बन के तैयार हो चुके हैं ठेकुए, अब इसको उतार लेना है। एक बार और पलट देते हैं सारा, थोड़ा सा दो चार मिनट और, एक दो मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद फिर इसको उतार देंगे ऐसे। देखिए अब पता चल रहा होगा बन गया है, ये कलर भी आ गया है इसका, ऐसे दिख नहीं रहा है मुझे ठीक से। देखिए डिजाइन भी देखिए कितने अच्छे से आ रही है। एक्सेस ऑयल जो है ये निकल जाएगा कटोरी और प्लेट में, और अभी तो ये सॉफ्ट होगा, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये हार्ड होता जाएगा। अभी तो बहुत सॉफ्ट होगा और गर्म भी बहुत है, जल रहा है। तो ये देखिए बन के कुछ ऐसा तैयार हुआ है। अभी मैं ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, अभी तो ये गर्म है। बेसिकली इसको आटे का बिस्किट भी आप कह सकते हैं, बस जो बाहर बिस्किट मिलता है वो मैदे का होता है, ये घर का बना आपको पता है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है।
तो ये सो गाइज ये देखिए बन गया मेरा ठेकुआ। अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और ये जो है बहुत दिन तक चलता है, इसमें ख़राब होने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए ये टाइट भी हो गया है। और ये पहले मैं इसको फोर्क से दिखाती हूँ आपको आवाज़, इसकी आवाज़ ये देखिए हो रहा है ना आवाज़। एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए तोड़ के देखिए अंदर तक एकदम अच्छे से पक चुका है ये। सो गाइज मेरा तो ये बन चुका है, अब आप इसको बनाइए खाइए एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।